रेस्पेक्टेड हेडमास्टर साहिबा, आज जो हम गाइडेंस और कैरियर पोस्टिंग के बारे में एक स्पेशल प्रोग्राम कर रहे हैं, उस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट जनाब माजिद सत्तू साहब, मैनेजर जीडी गोयनका, डॉक्टर ऋषि सत्तू साहब, स्टाफ मेंबर्स और प्यारे, मेरे ख्याल में आप सभी बच्चे और मेरे स्टाफ मेंबर्स इस बात से बखूबी वाकिफ है कि आजकल हमारा जो शेड्यूल है बहुत बिजी चल रहा है। आपके एग्जाम भी है, इंस्टीट्यूट में भी एग्जाम है, रिजल्ट्स का भी काम है, लेकिन साथ ही साथ हम एक ऐसे पड़ाव पर हैं, हम एक ऐसे मकाम पर हैं कि आप बच्चों के साथ एक इंपॉर्टेंट सेशन किया जाए। प्यारे बच्चों, आप बहुत बखूबी जानते हैं कि आप और हम अपनी मंजिल के लिए रवा रवा, आपका हमारा मकसद यह है कि हम अपनी मंजिल को पाएं। कुछ मंजिलें ऐसी हैं जिनको हम जल्दी पाएंगे और शॉर्ट टर्म है जिसको हम कहेंगे कि टेंपरेरी बसेरा है यहां पर, और कुछ मंजिलें ऐसी हैं जो मेरी परमानेंट मंजिल होगी और जिसके लिए मुझे आपकी काफी दूर जाना है। मैं इन मंजिलों को अगर आपके सामने एक सादा तरीके से पेश करूं तो आपकी ये जो दसवीं क्लास की एक छोटी सी मंजिल है, ये एक टेंपरेरी आपका पड़ाव है। जो मंजिल आपने पास कर ठहरा हुआ है बच्चों, आपको बहुत दूर जाना है, लेकिन ये एक ऐसा मकान है और आप ऐसा मान लीजिए कि एक चुराहा है, चुराहा समझ गया, जहां से आपको हर तरफ के लिए रास्ता जा रहा है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और उस चुराहे पर आपको यह डिसाइड करना मुश्किल है कि यह कौन सा रास्ता है जो डायरेक्ट मेरी मंजिल को जाए। अगर मैं और आसान तरीके से बताऊं, क्या मान लीजिए आप कहीं बस स्टैंड से बठिंडी के लिए आ रहे हो, तो आपको ये जो बठिंडी मोड़ है, ये जो वेपाल के पास है, आपको एक वसवसा रहेगा, क्या मैं आगे को जाऊं, क्या मैं नीचे को जाऊं, क्या मैं ऊपर को जाऊं, क्या मैं लेफ्ट राइट। इसका मतलब कि आप या तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि ये रास्ता जो है बिल्कुल डायरेक्ट मेरी मंजिल भी है, या तो आपको किसी न किसी से पूछना बहुत जरूरी है कि क्या यही वो रास्ता है जिस मंजिल पर मुझे पूछना है पहुंचना है। और अगर आप उस रास्ते से भटक गए, आप फिर भी आपकी मंजिल पर पहुंचोगे, लेकिन जिस मंजिल को आप बहुत जल्दी तय कर सकते थे, जिस सफर को आप मिनटों में सफर तय कर सकते थे, उसी सफर के लिए आपको एक बहुत लंबा पड़ाव जो है वो क्लियर करना पड़ेगा बच्चों। इसलिए ये जानते हुए कि आपका एक बिजी शुरू चल रहा है, इसके बाद हमारे और भी काम है, लेकिन ये सोचा कि नहीं ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा इस वक्त इस चौराहे पर खड़ा है और ये वेट कर रहा है कि मुझे किधर को जाना है। काश मुझे कोई ऐसा आदमी यहां पर मिलता कि जो मुझे बताए कि मुझे कौन सा रास्ता है। जैसे मान लीजिए आपको किसी मंजिल पर जाना है और आप चौराहे पर खड़े हो, कोई आपको वहां से राह गुजर चलता हुआ नजर नहीं आता है, आप परेशान हो जाते हो, और अगर कोई अचानक से मिल गया तो फिर आप यही बोलते हो ये अल्लाह ने कोई फरिश्ता भेजा है जो मुझे अब अपनी उस मंजिल के लिए रास्ता दिखाएगा। तो हमने ये सोचा कि आपका उस्ताद आपका दोस्त भी है, लेकिन साथ ही साथ में आपका उस्ताद आपका गाइड भी है, और उसी गाइडेंस के तहत आपके और हमारे हेडमास्टर साहब ने अपने बिजी शेड्यूल में से आप
टाइम में हम अपने बच्चों की रहबरी के लिए एक छोटा सा सेशन जो है वो अरेंज करेंगे कि हमारा बच्चा जो है इस जिंदगी के इस पढ़ाई के इस मंजिल की जो जुस्तजू में है वो कहीं परेशान ना हो जाए और हम इसको एक सीधा रास्ता जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे। इसी सीधा रास्ता उस मंजिल को पाने के लिए जो हमारी आज की रहबरी करेंगे वो हमारे साथ डॉक्टर ऋषि सर है और जीडी मोहिमा के मैनेजर माज सेतु साहब। मैं बहुत कम समय के लिए आपके बीच में रहूंगा लेकिन ये जरूर बताऊंगा बच्चों। रेस्पेक्टेड मैडम हमारे स्कूल का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने टाइम दे दिया हमें, तो मैं स्पेशली आप बच्चों के लिए आया हूँ। हमारी यहाँ यूनिवर्सिटी है जीडी मोहिमा, आप सबको पता होगा उसका हेल्थ केयर अकेडमी। हमने यहाँ आपको जूम में खोला है, आपको किसी बम्बई का पंजाब वगैरह जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ही आपके पैरामेडिकल कोर्सेज हो रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताऊँ कि आज जो आपका एग्जाम था मैम ने बोला कि कल मेरे बच्चे आए और उनके लिए आप एक प्रोग्राम रखेंगे, हम गेस्ट को बुलाएंगे। हालांकि टाइम बहुत कम है सबके पास लेकिन आप किसी भी कंडीशन में आधे घंटे के लिए हम उसको ये रास्ता दिखाने का काम करेंगे। ये खुश नसीबी है आप लोगों की, ये खुश नसीबी है हमारी कि हमें ऐसे ऑफिसर जिनको स्कूल ही में। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग मैम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों जैसा कि आप जानते हो मैंने पिछली बार भी कहा कि टेंथ तक एक एजुकेशन ऐसी होती है आप एक कोकोन में होते हो, हम आपका पूरा ख्याल रखते हैं, ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, आपका होमवर्क चेक होता है आपके लिए हम, तो उसके बगैर हमने अपने अंदर वो इनोवेटिंग स्किल्स पैदा करनी है जिससे हमें जॉब्स खुद बनानी है, पढ़ना है और लोगों को फिर आगे से देनी है। अब जो ये कोर्सेज हैं जो बच्चे, मैं तो यही चाहती हूँ कि हर बच्चा आसमान की बुलंदियों को छुए, हमारे स्कूल से IAS ऑफिसर निकले, हमारे स्कूल से KS ऑफिसर निकले, डॉक्टर निकले, बल्कि डॉक्टर भी वो जो DM किया हुआ डॉक्टर हो, लेकिन वो मेरी ख्वाहिश है। आप उस ख्वाहिश को कितना पूरा करते हैं, आपके रिसोर्सेज कितनी इजाज़त देते हैं, वो भी एक सवाल अलग है। तो बच्चों कुछ लोग इसमें इतने हैं कि जिनके माँ बाप बड़ी मुश्किल से मजदूरी करके आपका पालन पोषण करते हैं, क्या मैं सही कह रही हूँ? तो इसमें आपके पास चॉइस रहेगी, आप अपनी स्कूल की एजुकेशन भी करिए और ये 4 घंटे का कोर्स होगा कोई भी, जैसे इसमें ड्रेसर है, जैसे इसमें रेडियोलॉजी का टेक्निकल डिग्री है, जैसे इसमें सोनोग्राफी है, या सो मैनी गुड कोर्सेज। अगर आपकी मंजिल आप चाहते हैं आप अपने आप को कमाए भी और पढ़ाई भी सकें तो ये 4 घंटे आप मैनेज करके इस कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। जरूर आप भी हमसे भी जो मतलब क्वालिफिकेशन ऑफ कोर्सेज के बारे में भी बताएं कि आपने आपको कॉम्बिनेशन भी बहुत आसान हो गया। हमारे ज़माने में केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश या वो मेडिकल लेता था या वो नॉन मेडिकल लेता था या वो कॉमर्स लेता था या वो ह्यूमैनिटी, अब कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स भी हो गया। तो बेटा पढ़ाई आसान है, ज़रूरत है सिर्फ आपकी मेहनत की। मैं आज आपको बोर नहीं करूँगी क्योंकि आप रोजे में भी हो और अभी आपका प्रैक्टिकल भी है। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। मेरी ख्वाहिश है हर कोई फर्स्ट डिवीजन से एटलीस्ट पास हो, डिस्टिंक्शन से पास हो और आप बहुत अच्छी तरह पढ़े लिखे और अच्छे इंसान बने, ताकि हमें भी गुरु को जो खुशी होती है वो आप सोच भी नहीं सकते, वो खुशी हमें मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अपने गेस्ट का भी करती हूँ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम इंशाल्लाह उन्होंने जो भी मार्गदर्शन किया उसके लिए हम आगे एक अच्छा इंसान बने। थैंक यू।